सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके पाँव के नीचे जो बाल है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार स्लिप होके गिरते हैं। नेल्स को क्लिप करना है, इसको मेंटेन करना, क्लीन करना बहुत जरूरी है। चेहरे की बात करूं तो इसका चेहरा जो है वो बाल बहुत बड़े हो गए फेस के आगे के आईज के आगे, 1 मिनट में से क्लीन कर। जो बाल है उनको हम बाहर को कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। जब भी हमने यूज करना है इट शुड बी लाइक दिस, एंगल में नहीं रखा, आईज बॉल पे लग जाएगी सीधा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टिप। मैंने वाइप्स लिए हैं और वाइप्स के साथ में इसके ईयर को क्लीन कर रहा हूँ, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा फंगस हो रखी थी। क्योंकि फंगस हो रखी है तो इसलिए ईयर ड्रॉप भी देने पड़ेंगे इनको। जो एक साइड का वाइप है वो दूसरी तरफ नहीं यूज किया जाता, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। मेडिकेटेड है, वेट वाइप्स हैं, ये रेडी है। अब आईज भी क्लीन हो गई, पाँव भी नीचे के क्लीन हो गए, ईयर भी क्लीन हो गए। इसके जो ऑनर है उनको भी लग रहा था कि अब रूटीन में नहलाते हैं, फिर भी स्मेल आती है डॉग से। स्मेल आने का रीज़न था कान में से स्मेल आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे वैक्स था, इन्फेक्शन थी, फंगस था।